नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज अपने फरी एक लेक्चर के अंदर धोरण पांच हिंदी पत्र नंबर जे आपने पांचमा धोरण के अंदर चित्र पर आपेलो कि अभ्यास करवानो हजू घना बदा विद्यार्थी मित्रों धोरण पांच जो तो वालियों ने अपने ऊपर विनती है कि आपना बालक ने आ वीडियो तथा धोरण पांच का बीजा जो भी वीडियो आए थे ये जुड़ो कि अहिया आपने आपको मारेलो छे कि देख रसोई घर कि जो रसोड़ू छे कि रसोड़ा नहीं अंदर कई रीतना साधनों को उपयोग आ ची भाषा को उपयोग आ ची कि भाषा में कई कई चीजें कई चीजें पढ़ेला છે કઈ રીતે એનો ઉપયોગ થાય છે એના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. કઈયા એક ચિત્ર પાટાયો છે ખાના ખજાના કે ભાઈ પેજ નંબર પાઠ્યપુસ્તક હિન્દી ધોરણ પાંચ પેજ નંબર 38 ઉપર તમે જુઓ તો એક સરસ મજાનું ચિત્ર આપ્યું છે. ચિત્રની અંદર જે માં છે માં એ રોટલી બનાવી રહી હોય છે. બાળક જે છે એ શું કરી રહ્યો છે? ભોજન કરી રહ્યો છે. કે વૃદ્ધ માતા અને કે જે વૃદ્ધ માં છે દાદી માં એ શું કરી રહ્યા છે? એ રસોડાની અંદર બેઠા બેઠા ચોપડે વાંચી રહ્યા છે. સરસ મજાની બારી છે અને બારી બહાર એક વાદળ પણ જોવા મળે છે. બીજું કે જે વાસણનો ઘોડો છે, વાસણ મૂકવા માટેનો ઘોડો, એની અંદર ડબ્બાઓ જોવા મળે છે, થાળીઓ છે, વાટકીઓ છે, જુદી જુદી વરણીની અંદર અનાજ ધાન્ય છે, કઠોળ છે, પાણીનો એક માટલો છે, ગેસનો ચૂલો છે, ગેસ ઉપર પ્રેશર કુકર એટલે જેને આપણે કુકર કહીએ છીએ કુકર પણ છે. અનાજ ભરવાની એક મોટી પેટી છે. બીજું કે ભાઈ સામેની દિવાલ ઉપર બે મોટી બરણી અને સ્ટીલનું બરણી જોવા મળે છે. સુંદલી છે, સુંદલીની અંદર અનાજ શાકભાજી અને બૂટ પણ જોવા મળે છે. બાળક જમી રહ્યો છે. ગ્લાસ છે, થાળી છે, વાટકો છે, પાત્રો છે, પાત્રની અંદર મૂકેલો ઘૂણો, પીંડો છે, ચડેલી રોટલી એક બીજી થાળીની અંદર લેવામાં આવેલી છે, માં રોટલી બનાવી રહી છે. આવું બધું ચિત્રની અંદર તમે જોશો ચિત્ર તો ચિત્રની અંદર તમને આ બધી બાબતો તમને જોવા મળશે. ચિત્રની અંદર બીજું શું જોવા મળે છે બરોબર? તો તમે તમારે રીતે અનુમાન કરી શકશો કે જ્યારે ચિત્રનો તમે શાંતિપૂર્ણ અભ્યાસ કરશો જુઓ. અને નીચે એક અભ્યાસ પણ આપેલો છે, ચિત્ર દેખકર પ્રશ્ન કે ઉત્તર લખીએ. બીજી પહેલા પ્રશ્ન પૂછવા ગયા છે કે માતા રસોઈ ઘરને ક્યાં કર રહી ભાઈ? માતા ચિત્રની અંદર તમને જોવા મળે છે તો શું કરી રહી છે? માતા રસોઈ ઘરને રોટી બના રહી. પહેલા પ્રશ્નના ઉત્તર માતા રસોઈ ઘરને રોટી બના રહી. ભાઈ માતા કહે છે કરી રહી છે. ચિત્રની અંદર જોઈશો તો તમને ખબર પડશે કે ચિત્રની અંદર માતા જે છે એ રસોઈ બનાવી રહી છે. એટલે હિન્દીમાં માતા રસોઈ ઘરને રોટી બનાવી રહી. દૂસરા પ્રશ્નના ઉત્તર દાદી માં ક્યાં કર રહી છે? તો આપ ચિત્રમાં દેખીએ કે માતા હે માતા પાસ પાસની બેટા લડકા લડકી કે પીછે વૃદ્ધ
माता वृद्ध दादी माँ दिखाई दे रही है। तो ये दादी माँ क्या कर रही है कि हाथ में किताब ले वो पढ़ रही कि दादी माँ किताब पढ़ रही है। ठीक है, दादी माँ हाथ में किताब लेकर पढ़ रही। माता हाथ में, दादी माँ ने हाथ में क्या लिया है? किताब लिया। किताब लेने के चौथे पुष्प अन्य सूत्र भी रहे, पढ़ रही, लेकिन वाची रही। लड़का क्या कर रहा? तो चित्र के अंदर जो कि लड़का क्या कर रहा है, तो लड़का खाना खा रहा है। कि लड़का जो छोकरो छे सुकरी जो छे भोजन करी रहियो छे। तो ये एना माने थसे तीसरा उत्तर कि लड़का खाना खा रहा है। लड़का खाना लड़का क्या कर रहा है? कि लड़का वो अपने खाने में पड़ा जो खाना है वो खा रहा है। चौथा प्रश्न, तो रसोई घर में कौन कौन से बर्तन आपको दिखाई दे रहे हैं? आप देखिए रसोई घर में आपको कौन कौन से बर्तन दिखाई दे रहे हैं? तो उनका उत्तर कि रसोई घर में तवा, तवा, कटोरिया, गिलास, चमचे, चोका, बेलन, डिब्बे, छोटी थालियां, और बड़े थालियां। आदि बर्तन दिखाई दे रहे चित्र में। इनके अलावा गैस का चूल्हा, कुकर, मटका, चमची, थालियां, छोटी थालियां, डिब्बे, बेलन, पाटी, गिलास, कटोरिया, डिब्बा, गैस का चूल्हा और कुकर आदि सामान जैसे बर्तन आपको दिखाई दे रहे। आपको जितना आता है उतना बर्तन के नाम आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल है? क्या चित्र में देखे सामने दीवार पे दो टोकरियां दिखाई दे रही है? एक टोकरी में फल है और एक टोकरी में सब्जियां है। सब्जियां भी सात भाजी फल है। तुमने जो टोकरी टोकली छे एनी अंदर तुमने शू शू जोड़वा पड़े? तो चलो कि तेरी अंदर टोकरी में लोकी जिन्हें आपने सुनी थी, क्वालिटी भी ऐसी
પછી બનતા બનતા મૂળ એ સભી છે સબ્જી અહીંયા એ સબ્જી આ
ઓવર ઓવર પછી એન્ડિંગ ઓવર મિક્સર પછી રોટી નન ઇન્ડર એકલાનો સમાવેશ जिसके कारण वो खेल किस्सा था
वो बहुत दुखी है। क्यों? कि दोनों लड़कों में आपस में कोई बिनती नहीं, कोई बात बनती नहीं, एक दूसरे के साथ वो झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, मार पिटाई करते थे, इसलिए दोनों साथ में नहीं रहते। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बिनती भी नहीं, उम्र हो गई किसान की, वो बीमार पड़ा और उनको बहुत दुख लगता था कि मेरे चीते जी वो लड़के जो ये दो वो आपस में उनकी बनती नहीं है और एक साथ दूसरे के साथ झगड़ते रहते, उसे मैं किस तरह से समझाओ। तो कोई तो उपाय होगा कि जिसके कारण में इनको समझा बुझा कर रख सकते। ऐसी बात थी तो एक दिन वृद्ध किसान जो बीमार था कठिन अवस्था, उसी समय दोनों को लड़कों को एक दिन बुलाया, दोनों लड़कों को एक साथ बुलाया और कहा आप कुछ लकड़ियाँ लाओ, आप कुछ लकड़ियाँ लाओ। दोनों लड़के गए बाहर और थोड़ी सी गठरियाँ रखी बीच बाहर के लाटा और इस तरह से भारी गठरियाँ रखते हैं, दोनों को एक एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं जो खुद किसान है वो कहते हैं तो ये लकड़ी को आप तोड़ कर डालो। तो दोनों लड़कों ने दो दो लकड़ी एक अलग एक एक लकड़ी लेकर दोनों ने क्या किया आसानी से तोड़ दिया। लड़के हंसने लगे, ऐसे क्यों हमारे बाप ऐसा कर रहा, लेकिन लड़कों को पता नहीं था बाप उनको कुछ सिखा रहा था। उनके बाद जो वृद्ध किसान था लड़के का बाप, उन्होंने कहा कि एक गठरी लकड़ी की गठरी यानी कि लाकड़ा होने से बाहरी करो एक साथ लेकर आप तोड़ कर। दोनों लड़कों एक एक गठरिया लेते हैं, उठाते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन तोड़ नहीं। लड़कों ने विचार किया एक लकड़ी थी जो तो हमने आसान से तोड़ दिया, ये गठरी है भारो छे भाई इन्हें क्या तोड़ सकता, ये गठरिया नहीं टूटती, ऐसा वो सोचते। उसी समय दोनों लड़कों को ये बात समझ आई कि लकड़िया की एकता है, लकड़िया की क्या है एकता है, युद्ध बल है, लकड़िया एक साथ है इसीलिए उसको तोड़ा नहीं जाता। जो अकेली होती तो उस लकड़ी को हम आसान से तोड़ सकते, लेकिन यहाँ पे ज्यादा लकड़िया है इसीलिए वो सारी लकड़िया को एक साथ तोड़ सकते नहीं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि पिताजी ने जो लकड़ी दी थी उस माध्यम से सभी बच्चों को ये बात सीखने को मिली कि यहाँ पे एकता की बात की गई, यहाँ जो एकता है हमारे कुटुंब में हमारे समाज में जो एकता होगी तो हमें एक दूसरे से कोई अलग नहीं कर झगड़ा करने से परिवार में अशांति होती है। एक दूसरे के साथ हम झगड़ा करते हैं मार पिटाई करते हैं तो वहां से हमें शांति नहीं होती, अशांति हो जाती है, मन झूठने की भावना हो जाती है। लड़के के पिताजी की बात समझ गए पर परिवार में बदलाव आ गया, जो दोनों लड़के थे वो बापूजी की बात अच्छी तरह से समझ जाते हैं कि हम दोनों अलग अलग होने से बचे, हम एक साथ एक होकर रहे तो हमें समाज का कोई भी व्यक्ति अलग नहीं कर सकता। आपस में मिलजुल कर रहने लगे, लड़ना झगड़ना छोड़ दिया तो घर में सब शांति और प्यार से रहने लगे। कि जो एक दो एक लड़का दूसरे लड़के के साथ जो झगड़ा करता था मार पिटाई करता था वो सब छोड़ दिया और दोनों एक साथ एक दूसरे के साथ वो रहने लगे। इस कहानी से
का शीर्षक यह है कि हमारे जीवन में एकता होगी तो हमें कोई गलत कर सकते नहीं। यहाँ पे एकता का महत्व वो कहानी का शीर्षक आता है। तो आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर भी करें। धन्यवाद।